हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। हम इसके बारे में क्यों बात करें, क्योंकि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है 20 दिसंबर को, यानी 20 दिसंबर को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और उस मीटिंग में वो बोनस इशू पे अपना डिसीजन लेंगे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट कन्फर्म माना जा रहा है कि वो बोनस इशू करेंगे और 20 दिसंबर की मीटिंग में वो सारा कुछ डिटेल शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि क्या ये सही समय है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर्स बाय करने का, या फिर हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीएससी को इन्फॉर्म किया है कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है 20 दिसंबर 2018 को, और उसमें वो बोनस इशू के ऊपर अपना कंप्लीट डिसीजन लेंगे और कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। और अगर करंट प्राइस की बात करें तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो करंट प्राइस है वो 650 के अप्रॉक्स है। अब हम कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया का लास्ट 5 ईयर्स का चार्ट देखते हैं। आप यहाँ पे चार्ट में इजिली देख सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली डिविडेंड देता आ रहा। और अगर हम बोनस इशू की बात करें तो 2017 में भी उसने बोनस इशू दिया था और वो अप्रैल मई के करीब दिया था, और 2018 में वो ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिट कर चुका है, यानी जनवरी 2018 से लेकर जून 2018 तक। उस समय जो उसका प्राइस हुआ करता था वो एबव 1000 था, और जब स्टॉक स्प्लिट किया तो उसके बाद एडजस्टेड प्राइस इसका 650 के अप्रॉक्स आ गया। और उसके बाद फिर अभी वो दिसंबर में बोनस इशू कर रहा है। 2018 में उसने स्टॉक स्प्लिट भी किया और बोनस इशू भी दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी, तो इसमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के ऊपर लोगों की अलग अलग डिसीजंस हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके इस बोनस इशू का फायदा उठा सकते हैं। बोनस इशू का फायदा मिलेगा जब आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच समझ ले, और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कर ले। सिर्फ मेरे कहने पे इन्वेस्ट ना करें। मैं बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से आपको 10-15% रिटर्न नेक्स्ट 20 डेज में मिल सकता है, और 20 दिसंबर के बाद यहाँ पे आपको मौका नहीं मिले। जैसे ही बोनस इशू का अनाउंसमेंट होता है उसके बाद प्राइस एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगता, प्राइस एडजस्ट हो जाता। उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। बोनस इशू के अनाउंसमेंट से पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको नेक्स्ट 20 डेज में 15-20% का रिटर्न इजिली मिल सकता है। इस भी स्टॉक्स ने बोनस इशू किया है डेट अनाउंस होने से पहले, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बोनस अनाउंसमेंट के बाद, जैसे ही वो पीक पकड़ता आपको 5-10% का रिटर्न मिल जाता है, तो वहाँ से आप इस स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 15-20 डेज का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, उससे ज्यादा हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो ये अच्छा है, आप 15-20 डेज में 5-10% इजिली अर्न कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप या फिर ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।